हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा टाइम लग गया आज, है ना। कुछ दिक्कत हो रही थी लेकिन अल्टीमेटली लाइव हो गए। चलिए, आ गया बेटा, आ गया। मैं क्लास होगी बेटा, क्लास होगी। तुम लोग सर अगर 10 मिनट लेट हो जाए ना तो तुम लोग का एकदम आज कौन सी पीडीएफ मैंने दी, वर्कबुक और डीपीपी कौन सी प्रोवाइड की, जल्दी जल्दी से बताओ मुझे। और किन किन बच्चों ने कर लिया है। हाँ समरीन बेटा, तबीयत अब ठीक है मेरी, है ना। कल तो काफी हेडेक हुआ। हाँ लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि मैं आज क्लास लेने वाला नहीं था, है ना, लेकिन तुम ही लोगों की वजह से क्लास ले भी रहा हूँ। वरना इतना हेडेक हो रहा था कल, है ना, कि घर पे तो सभी लोग कह रहे थे कि आज क्लास रहने ही दो, लेकिन मैंने कहा चलो करते हैं, है ना। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। डोडो भी बेटा ठीक है, कल मैंने डॉक्टर को दिखाया था, डोडो को भी शाम को, और कुछ दवाइयाँ दी हैं उन्होंने। बाकी एक अल्ट्रासाउंड कराना है ना, और LFT कराना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। और अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं प्रीमियम के बारे में, अगर आप चाहते हैं। हाँ भी तो मैं ठीक हूँ बेटा, है ना। डोडू को बीच बीच में थोड़ा सा दिक्कत होती है ना, स्टमक एक होता है, मतलब पेट दर्द होता है। तो कल हम लोग दिखाने शाम को गए थे, फिर मेरा रात में हेडेक होने लगा, फिर मैंने आधी क्लास ली थी, जो पता ही होगा तुम लोगों को। डोडो को हो सकता कि स्टमक में कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, बच्चे खाते पीते रहते हैं ना कुछ भी, अब सही से हैंड वॉश नहीं किया, कुछ भी खा लिया। BOD का फुल फॉर्म बेटा बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, या प्रीमियम के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब। नहीं मिट्टी नहीं खाता बेटा, मिट्टी नहीं खाता है। अच्छा मुस्ताक कह रहे हैं लोग नजर लगा देते हैं लाइव में, मत लाना सर। अच्छा ऐसा भी होता है, नजर वजर का खेल होता है क्या। अरे रोहित मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, मतलब मैं मास्टर हूँ तो मैं उसको पढ़ा भी दूँ, उसको स्कूल ना भेजूँ, ऐसे थोड़ी होता है, है ना, ऐसे थोड़ी होता है। अब डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, है ना। ये देखिए प्रीमियम लेक्चर बेटा देख लीजिए आप एक बार जल्दी से, नीट के जो प्रीमियम लेक्चर है, नीट 2020 के लिए, है ना। ये 2020 के प्रीमियम लेक्चर बेटा मैंने बनाए हैं, इसमें दोनों तरह की कैटेगरीज आप देख सकते हैं, एक तो यूट्यूब पे है और दूसरा neetbooster.com पे, है ना। तो YouTube वाला थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा आपको, है ना। देखिए कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पर। सबसे पहला कोर्स यहाँ पर है, 5 मिनट का टाइम दीजिएगा बेटा, ठीक है। सबसे पहला है NEET 20 प्रीमियम PCB, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में प्रीमियम चीजें आपको मिल जाएंगी, प्रीमियम टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें YouTube में 1199 पर मंथ, अब मान के चलिए नीट 2 महीने आपका बचा हुआ है तो 2 महीने के लिए आपको ये पे करना होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर आप neetbooster.com पे लेते हैं तो 90 डेज के लिए, मतलब जब तक आपका नीट नहीं होता तब तक के लिए आपको करीब 1999, मतलब 2000 रुपये में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आपको मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग है, है ना। केवल बायो का लेना चाहते हैं तो YouTube पे इसकी कॉस्ट है 799 पर मंथ, और अगर आप neetbooster.com पे लेते हैं तो 1199 फॉर 90 डेज, मतलब पूरे 90 डेज जब तक आपका नीट नहीं होता है तब तक के लिए ये कॉस्टिंग होगी आपकी, ठीक है। तीसरा फिर आप देख लीजिए केमिस्ट्री के लिए, अगर आप केमिस्ट्री YouTube पे लेते हैं तो 599 पर मंथ है, और अगर आप neetbooster.com पे परचेस करते हैं तो
999 फॉर द 90 डेज, ठीक है। और अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स 399 पर मंथ है, ये बेटा यूट्यूब पे है, और अगर neetbooster.com पे आप लेते हैं तो 899 फॉर 90 डेज। तो थोड़ा सा अगर neetbooster.com पे आप जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा चीजें मतलब सस्ती हो जाएंगी, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं NEET 2020 क्लासरूम वीडियो लेक्चर बायो के। जो क्लासरूम वीडियो लेक्चर बेटा यूट्यूब पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप ले सकते हैं इन्हें neetbooster.com पे NEET 2020 तक के लिए 3,000 में आपको मिल जाएंगे। ये क्लासरूम वीडियो लेक्चर जिनकी एक्चुअल कॉस्ट 25,000 रुपए है, ये NEET 2020 तक के लिए आपको 3,000 में मिल जाएंगे। NEET 2020 जब तक आपका नहीं होता तब तक के लिए। अच्छा, अगर आप यूनिट वाइज लेना चाहते हैं क्लासरूम वीडियो लेक्चर को, अगर यूनिट वाइज लेते हैं तो 500 रुपीज और NEET 2020 तक के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम देख लेते हैं जरा NEET 2021 की बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, है ना, तो उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ NEET 2021 के लिए। NEET 2021 में 3 कैटेगरी है बेटा यहाँ पर, है ना, आप देख सकते हैं 3 कैटेगरी यहाँ पर हैं 2021 के लिए। एक कैटेगरी बेटा है NEET 2021 प्रीमियम बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो कैटेगरी यूट्यूब पे 1599 पर मंथ, है ना, 1 महीने की है, करीब 8 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। NEETBooster.com पे 12 महीने के लिए कॉस्टिंग है 12,000। अगर बायो की हम बात करते हैं, पूरे 1 साल के लिए 12,000 रुपये की फीस है बायो के लिए प्रीमियम क्लास की। अगर केमिस्ट्री की हम बात करते हैं NEET 2021 के लिए तो 10,000 है 12 मंथ के लिए, और फिजिक्स के लिए 8,000 है 12 मंथ के लिए। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। बायो का जो प्रीमियम है बेटा ये यूट्यूब पे 1599 पर मंथ में अवेलेबल है, और NEETBooster.com पे 12 मंथ के लिए अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, वीडियो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, आपको चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो हाँ, सबके लिए बेटा, कोचिंग वाला स्टूडेंट हो या कोचिंग वाला ना हो, सबके लिए है, ठीक है। बस कोचिंग वाले स्टूडेंट के लिए बेटा क्या हम कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक वाली क्लास है वो हम फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि ऑर्गेनिक उनका क्लास में नहीं हो पाया था, है ना। तो ऑर्गेनिक वाले क्लास का जो प्रीमियम है वो जिन बच्चों का, जो बच्चे गंगवार इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे उनको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप गंगवार इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, ऑफलाइन क्लासेस आप लेते थे, केमिस्ट्री आप वहां पर पढ़ते थे, और केमिस्ट्री में आपने फीस फुल पे कर रखी है, तो आपको प्रीमियम केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर फ्री में मिल जाएंगे ये वाले केमिस्ट्री में, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीजें जो हैं वो सबके लिए पेड ही होंगी, ठीक। ये जो क्लासेस हैं, क्योंकि ये टॉपिक बेटा ऑर्गेनिक वाला आपका क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर हैं बेटा, वैसे भी इतना कम है और क्या चाहते हो तुम लोग। देखिए, पीसीबी आपको तीनों सब्जेक्ट NEET 2020 के लिए मिल रहे हैं केवल 2,000 रुपये में, और तुम लोग क्या चाहते हो। हाँ बेटा, केमिस्ट्री के लिए कॉस्ट मैंने बताई ना, देखिए यूट्यूब पे 599 है पर मंथ, और अगर 90 डेज NEETBooster.com पे लेते हैं तो 1,000 रुपये 999 में आप ले सकते हैं, है ना, ये केमिस्ट्री की कॉस्ट हो जाएगी। इसमें केमिस्ट्री का जो भी पढ़ाया जाएगा NEET 2020 तक के लिए, जो भी प्रीमियम चीजें होंगी सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। काफी बातें हो चुकी हैं, एडवर्टाइजमेंट भी काफी हो चुका है, तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। YouTube पे ज्वाइन के ऑप्शन में अब ये 5 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, है ना, आप देख लीजिएगा जो भी आपको ज्वाइन करना हो, या neetbooster.com पे जाके वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा बाद में आपको। चलिए, तो आज हम क्वेश्चन करने वाले बेटा प्लांट फिजियोलॉजी के, है ना। प्लांट फिजियोलॉजी अभी तक हम कितनी यूनिट कर चुके हैं किसी को पता है। अभी तक 6 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, कल जो यूनिट मैंने कराई थी उसमें 35 क्वेश्चन रह भी गए थे, वो भी करवा दूंगा आपको। तो 6 यूनिट के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 4 यूनिट हमारी बची हुई है। तो आज हम यूनिट करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी, है ना, इसके हम 100 क्वेश्चन करेंगे, पूरे 5 चैप्टर के 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बेटा, देखिएगा 5 चैप्टर्स और 100 क्वेश्चन हम करेंगे। 12:36 पे हम शुरुआत कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर टू
सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज, डिफ्यूजन ऑफ वाटर टू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर का डिफ्यूजन होता है दैट इज नेम्ड एज, इसे क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, ठीक, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, इसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्मोसिस। फास्फोरस ब्रिंग अबाउट, फास्फोरस ब्रिंग आउट। बेटा देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं भी दिए गए हैं। फास्फोरस किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? रिटार्डेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्दी रूट ग्रोथ, फ्रूट राइपनिंग या रिटार्डेड प्लांट ग्रोथ। तो बेटा ये हेल्दी रूट ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, फास्फोरस हेल्दी रूट ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। हाँ बेटा, ज्यादातर क्वेश्चन बायोनीट से ही लिए जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन बायोनीट से ही लिए जाते हैं। एनएडी प्लस इज रिड्यूस्ड इन फोटो रेस्पिरेशन इनसाइड। फोटो रेस्पिरेशन, तीन ऑर्गेनेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, परोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तीन ऑर्गेनेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो करें एनएडी का रिडक्शन कहां पर होता है? एनएडी का रिडक्शन कहां पे होता है? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो सकता है आपके लिए नया सवाल हो तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। विच थ्योरी, बेटा अलग से एक वीडियो में बना दूंगा, परेशान मत हो, एक वीडियो में अलग से भी बना दूंगा। अभी मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया प्रीमियम के बारे में, एक अलग से 5-10 मिनट की वीडियो बना के हर एक चीज में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। विच थ्योरी एक्सप्लेन एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी थ्योरी है जो एटीपी सिंथेसिस को एक्सप्लेन करती है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में? एटीपी सिंथेसिस के बारे में आपसे पूछा है, तो एटीपी सिंथेसिस के लिए कौन सी थ्योरी यूज की जाती है? केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ द मिचेल, नीट में लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था। प्लांट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू डिफ्यूज स्टिमुलस ऑफ लाइट। लाइट अगर प्लांट को मिलती है और उसके रिस्पेक्ट में प्लांट में मूवमेंट होता है, लाइट स्टिमुलस की वजह से अगर मूवमेंट होता है, दैट मूवमेंट इज नेम्ड एज, इसे क्या कहते हैं, इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? अगर लाइट की वजह से मूवमेंट होता है दैट इज नेम्ड एज फोटोटैक्सिस, इसे फोटोटैक्सिस का नाम दिया जाता है। गार्ड सेल डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल इन हैविंग, गार्ड सेल एपिडर्मल सेल से अलग होती है, ऐसी कौन सी चीज है जो गार्ड सेल में पाई जाती है और एपिडर्मल सेल में नहीं पाई जाती? चलिए जल्दी से बताइए। गार्ड सेल डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल इन हैविंग, क्या ऐसी खास चीज है? दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। बेटा जो क्लोरोप्लास्ट है गार्ड सेल में पाए जाते हैं, अगर आप एनसीईआरटी का फिगर देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है, लेकिन जो बाकी एपिडर्मल सेल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। विच कैन फंक्शन एज कैरियर इन एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन, नीट में पूछा गया है। एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन में देखिए आयन का एब्जॉर्प्शन एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म में होता है, तो एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन में कौन कैरियर का काम करता है? देखिए एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन जब भी होगा तो उसमें कैरियर की जरूरत पड़ेगी, चाहे एक्टिव हो चाहे फैसिलिटेटेड हो, दोनों में कैरियर की जरूरत पड़ती है। तो एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन में किसकी जरूरत होती? लेसिथिन की जरूरत होती, याद कर लीजिएगा, हाल ही में आपसे नीट में पूछा गया था। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, अमोनिया का प्रोडक्शन किस समय होता है? फोटो रेस्पिरेशन में, कैम पाथवे में, डार्क रिएक्शन में या ऑल ऑफ द अबो? अमोनिया का प्रोडक्शन कब होता है बेटा? अमोनिया, जल्दी जल्दी बढ़िए, अमोनिया प्रोड्यूस होता है बेटा फोटोरेस्पिरेशन में। अगर आप एनटीए का मॉक टेस्ट मेरे साथ में कर रहे हैं तो आपको ये बात मैंने पहले भी बताई बेटा, एनटीए और ये जो यूनिट वाइज क्वेश्चन में करा रहा हूं बेटा, ये दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर दोनों चीजें आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आप अगले 60 दिनों में तैयारी कर सकते हैं, दोनों चीजें आपको साथ साथ करनी पड़ेंगी। प्रीमियम की बेटा शुरुआत हम करेंगे 10 जुलाई से, ठीक है, 10 जुलाई यानी परसों से हम प्रीमियम की शुरुआत कर देंगे। तो आज मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा प्रीमियम के बारे में पूरी डिटेल, कैसे आप पे कर सकते हैं, क्या कॉस्टिंग होगी, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज ब्रिंग अबाउट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज ब्रिंग अबाउट, पीडीएफ नहीं मिल रही है बेटा, रात की टाइमिंग, ठीक है देखते हैं रात की टाइमिंग के लिए पोल में करवाता हूं, अगर ज्यादातर बच्चे चाहेंगे तो चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज ब्रिंग अबाउट, क्वेश्चन नंबर 9।
ये ऑक्सीडेशन भी कराता है और डीकार्बोक्सिलेशन भी कराता है। ये एंजाइम ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों कराता है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को सक्सिनिक कोएंजाइम ए में चेंज करता है ना। तो इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन भी होता है, जो एनएडी होता है इसका। एनएडी की अगर हम बात करते हैं, देखिए एनएडी एनएडीएच में चेंज होता है, तो एनएडी का रिडक्शन हो गया और अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड का सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में ऑक्सीडेशन हो गया और CO2 भी इस स्टेप पे निकलता है, तो डीकार्बोक्सिलेशन भी हो जाएगा। तो 9 का डी ऑप्शन हो जाएगा। इन बेटा देखिए, कोई भी क्वेश्चन मैंने अपने घर में नहीं बनाया है ना, कोई भी क्वेश्चन मैंने अपने घर में नहीं बनाया, सारे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए आप। इन मोमेंट कोई भी क्वेश्चन फालतू वाला नहीं करा रहा हूं मैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। इन मोमेंट अकर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, कह रहे अगर कोई मोमेंट एक्सटर्नल स्टिमुलस, इफ यहां पर कर देता हूं, इफ मोमेंट अकर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, अगर कोई मोमेंट एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होता है तो उस मोमेंट को क्या कहते हैं? दैट इज ट्रॉपिक भी कहते हैं, नेस्टिक भी कहते हैं और टैक्टिक भी कहते हैं। तीनों तरह का मोमेंट बेटा एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होता है। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई रूट, द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल्स एप इज लोअर देन दैट ऑफ। ये कल भी मैंने आपको कराया था कि जब वाटर रूट को एब्जॉर्ब, वाटर रूट को एब्जॉर्ब करती है, नहीं बेटा, जब रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है ना, जब रूट को एब्जॉर्ब किया, रूट के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल्स एप इज लोअर देन, वाटर पोटेंशियल किससे लोअर होता है? अब देखिए, अगर रूट के अंदर, देखें रूट के अंदर सेल साइप है और रूट के अंदर अगर वाटर आ रहा है तो इसका मतलब है यहां पर वाटर पोटेंशियल कम होना चाहिए, क्योंकि वाटर का फ्लो हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से की तरफ होता है। तो इसका वाटर पोटेंशियल किससे कम होना चाहिए? प्योर वाटर से भी कम होना चाहिए और सॉयल सोल्यूशन से भी कम होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पर ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन पर ध्यान दो। चलो तो सी हो जाएगा। पोटेशियम इज इन्वॉल्व इन, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। पोटेशियम इज इन्वॉल्व इन, पोटेशियम मिनरल किसमें इन्वॉल्व होता है? क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, एकेएस पीडिया में आपको बता दूंगा, ठीक। अभी वीडियो में अपलोड करूंगा थोड़ी देर बाद, अभी मैं शूट कर लूंगा तो उसमें सारी चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ बेटा, यूट्यूब पे जो अपलोडेड उसमें कोई डिलीट नहीं होगा, ठीक है। ये सारे वीडियोस रहेंगे आपके लिए और बेहतर तरीके से और हो जाएंगे, ठीक, अरेंज कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पोटेशियम क्या करता है? प्रमोटिंग मेनी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज दैट रेगुलेट प्लांट प्रोसेसेस, ये पोटेशियम का रोल हो जाएगा बी, ठीक है। डीसीएमयू इनहिबिट, डीसीएमयू किससे इनहिबिट करता है? ये एक इनहिबिटर है बेटा डीसीएमयू। तो डीसीएमयू किससे इनहिबिट करता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसीएमयू इनहिबिट करता है बेटा, इसको साइट के रूप में यूज किया जाता है, खरपतवार नाशक के रूप में यूज किया जाता है और ये PS2 को इनहिबिट कर देता है और PS2 के ना चलने की वजह से वीट हो जाती है। एडीपी एटीपी एडीपी सिस्टम वाज फाउंड बाय लिपमैन इन, ये सब मैंने आपको एटीपी साइकिल पढ़ाई है बेटा और एटीपी साइकिल के बारे में स्पेशल सरप्राइज सेशन में मैंने आपको बताया था। तो एटीपी साइकिल को लिपमैन ने खोजा था और ईयर आपको बताना है किस ईयर में खोजा गया था। अगर आपने प्रीवियस के 25 30 40 साल के क्वेश्चन लगाए होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिले होंगे, लेकिन तुम लोग लगाते कहां हो, है ना। तुम लोग जितना करवा दिया जाए वही रिवाइज कर लो, वही बहुत है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 1940 में इस कोटोट्रॉपिक मूवमेंट आर इंड्यूस बाय, क्वेश्चन नंबर 15, स्कोटो टर्म यूज करते हैं बेटा किसके लिए? शेड के लिए, है ना, अंधेरे के लिए। तो स्कोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक किसके वजह से होता है? फोटोट्रॉपिक लाइट की वजह से, थिग्मोट्रॉपिक टच की वजह से और स्कोटो नाइट, है ना।
अगर नाइट की वजह से कोई मूवमेंट इंड्यूस होता है तो उसे स्कोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। स्कोटो मतलब जैसे छाया हो गया या फिर नाइट हो गया, उसके लिए टर्म यूज करते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल ऑफ कॉर्टेक्स टू द नेक्स्ट इन द रूट इज ड्यू टू, कॉर्टेक्स मल्टी सेलर होता है बेटा, और उसमें एक सेल से दूसरी सेल में जो वाटर का मूवमेंट होता है उसके बारे में पूछा गया, ये मूवमेंट किसकी वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 16, तो वाटर का मूवमेंट बेटा किसकी वजह से होता है? देखिए, वाटर पोटेंशियल आप जानते हैं, तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से मूवमेंट होगा होता है। मतलब एक सेल में अगर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, दूसरी सेल में वाटर पोटेंशियल कम है, तो इन दोनों के बीच ग्रेडियंट बन गया, और ग्रेडियंट बनने की वजह से हाई वाटर पोटेंशियल वाली सेल से लो की तरफ वाटर का मूवमेंट हो जाएगा। आयंस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट थ्रू, आयन का किस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन किया जाता है? आयन का बेटा एब्जॉर्प्शन दो फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में किया जाता है। एक्टिव और पैसिव फॉर्म में किया जाता है ना? तो पैसिव फॉर्म में अगर फैसिलिटेटेड की बात करें तो कैरियर का यूज करेंगे, और एक्टिव में तो पंप का यूज किया जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कैरियर एंड पंप। आयन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कैरियर और पंप के द्वारा किया जाता है। सकलेंट परफॉर्म, अच्छा एक कुछ ये एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा था वाटर इज एब्जॉर्ब, वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता, तो आप कहते हैं डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल, तब आपका ऑप्शन सी सही होता। अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन पूछा जाता तो वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से होता, लेकिन आयन का एब्जॉर्प्शन कैरियर और पंप के द्वारा होता है। सकुलेंट परफॉर्म CO2 फिक्सेशन बाय, सकुलेंट बेटा डेजर्ट में पाए जाते हैं और ये अपने स्टेम के अंदर स्टोर करते हैं वाटर को, है ना, सकुलेंट प्लांट जो होते हैं। तो सकुलेंट में CO2 फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन का मतलब हो गया बेटा कि फोटोसिंथेसिस आप कह सकते हैं ना, फोटोसिंथेसिस। तो सकुलेंट परफॉर्म में फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पाथवे पाया जाता है? दैट इज कैम पाथवे, इनमें कैम पाथवे प्रेजेंट होता है। NADH इज प्रोड्यूस्ड इन, NADH का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? NADH का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? 13 सितंबर को आपका नीट है बेटा, है ना, 13 सितंबर को आपका नीट है। अब करीब 65 दिन बचे होंगे, 65 डेज, और इन डेज को यूटिलाइज करिए, बाद में पछताना ना पड़े आपको, है ना, इसलिए इस समय को सही तरीके से यूटिलाइज करना जरूरी है। कोई भी फालतू का काम मत करिए, केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, जो भी लाइव सेशन हो रहे हैं इनको करिए, जो भी आपको मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ उनके क्वेश्चन करिए, रिविजन करिए, सारी चीजें करिए, है ना, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। NADH का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है बेटा? NADH, क्वेश्चन नंबर 19, NADH कहाँ पर प्रोड्यूस होता है बेटा? क्या आंसर कर रहे, फोटोसिस्टम 2 में, फोटोसिस्टम 1 में बेटा। पहली चीज तो फोटोसिस्टम 1 और 2 की अगर बात करोगे तो यह ये तो फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस में मैंने कई बार बताया NADPH प्रोड्यूस होता है। NADH का प्रोडक्शन होता है बेटा ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस में NADH का प्रोडक्शन होता है, रेस्पिरेशन में, और फोटोसिंथेसिस मैंने कोड बताया था कि NADPH में पी आता, और पी आप कोड बना सकते हो फोटोसिंथेसिस के लिए। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सन, अब देखिए लाइट की वजह से मूवमेंट हो रहा है, तो लाइट की वजह से अगर मूवमेंट हो रहा है, देखिए जो सूरजमुखी होता है सनफ्लावर, जिधर जिधर सन घूमता है उधर उसका जो फ्लावर होता है घूमता रहता है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि फोटो होगा ये। अब फोटो के दो ऑप्शन है, लाइट की वजह से मूवमेंट हो रहा है तो फोटो तो होगा ही ऑप्शन में, क्लियर। अब आपको ये बताना है बेटा यहाँ पर कि फोटो कौन सा होगा, एक क्योंकि यहाँ पर फोटो नेस्टी दिया गया और एक फोटो ट्रॉपिज्म आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज नेम्ड एज फोटोट्रॉपिज्म, इसे फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जाना जाता है। सनफ्लावर के हेड का जो या फ्लावर का जो मूवमेंट होता है सन की डायरेक्शन की तरफ, दैट इज नेम्ड एज फोटोट्रॉपिज्म, है ना। जो चीज आपको नहीं पता है वो चीज आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस फ्रॉम, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन आपसे पूछा गया है, सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है बेटा? स्टोमेटा जो कि लीफ में पाए जाते हैं, तो लीफ के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन का रेट हो सबसे ज्यादा होता है।
यील्ड ऑफ राइस इंक्रीज्ड भाई, राइस की यील्ड को कैसे इंक्रीज करते हैं बेटा? राइस की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर एनाबिनाब को दिया गया, नॉस्टॉक का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, नॉस्टॉक का भी यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, बेटा ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? एक थैलाकॉइड है, इसके ऊपर दूसरा थैलाकॉइड आ गया, तीसरा आ गया, है ना, चौथा आ गया, इसे ग्रेना कहते हैं, और ये जिस क्लोरोप्लास्ट उसे ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। लेकिन कुछ क्लोरोप्लास्ट ऐसे होते हैं जिनमें थैलाकॉइड अलग अलग पाए जाते हैं, ये कभी भी ग्रेना नहीं बनाते, तो इसे एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं बेटा? एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं सी4 प्लांट में और एल्गी में, सी4 प्लांट में और एल्गी में पाए जाते हैं बेटा एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। और सी4 में भी, सी4 में भी जो बंडल सीथ सेल होती है बेटा, है ना, बंडल सीथ सेल जो होती हैं उनमें एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कोड याद कर लीजिए, एबीए, एबीए क्या है? ए फॉर एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, बी फॉर द बंडल सीथ सेल, ए फॉर एल्गी। यानी ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बंडल सीथ सेल ऑफ सी4 प्लांट में और एल्गी में पाए जाते हैं। क्लियर बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सी4 में, क्योंकि बंडल सीथ भी होती है और मीजोफिल भी होती है, लेकिन मीजोफिल में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मीजोफिल में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, बंडल सीथ सेल में और एल्गी में ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो लाइक भी करते रहो सेशन को तुम लोग, चलो जल्दी से लाइक करो, 50 बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया है, चलिए जल्दी से लाइक करिए। आरक्यू इज मैक्सिमम व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज, बेटा जितनी चीजें मैं बता रहा हूं इतनी कर लोगे तो उसके अलावा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 20,000 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 10-15,000 क्वेश्चन और आपके हो जाएंगे, ठीक है, तो 35,000 क्वेश्चन जब बायो के आप कर लोगे ना तो उसके बाहर कहां से पूछेगा, जब 35,000 क्वेश्चन आप कर रखे होंगे तो उसके बाहर कहां से आपसे सवाल पूछेगा। चलिए, और इनमें से 10,000 क्वेश्चन तो एनटीए के मॉक टेस्ट के ही होंगे, है ना, तो एनटीए जब खुद क्वेश्चन आपको दे रहा है और आप उनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे, है ना। चलिए, आरक्यू इज मैक्सिमम, आरक्यू का मैक्सिमम होगा बेटा, देखिए ग्लूकोज के लिए 1 हो जाएगा, फैट के लिए 0.7 होगा, प्रोटीन के लिए 0.9 होगा, और ऑर्गेनिक एसिड के लिए 1 से ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम एसिड के लिए 1 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बढ़ते रहो बेटा। क्लोजर ऑफ लिड इन पिचर इज, पिचर प्लांट में इंसेक्ट को पकड़ने के बाद जो लिड होता है, ढक्कन होता है, वो बंद हो जाता है नेपेंथिस में, पिचर प्लांट में, तो कह रहे पिचर प्लांट में जो लिड का क्लोजर होता है वो किसकी वजह से होता है? क्वेश्चन नंबर 25, ये किस तरह का मूवमेंट होता है बेटा, ये किस तरह का मूवमेंट होता है, ये आपको याद करना है। यस, देखिए राज वर्मा ने सही बताया, दैट इज पैराटोनिक मूवमेंट, इसे पैराटोनिक मूवमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज रिलेटेड टू, ट्रांसपिरेशन का रेट किससे रिलेटेड होता है? क्वेश्चन नंबर 26, लाइट से, टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से और विंड, इन सब पर ट्रांसपिरेशन का रेट निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 27, लेग हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड फॉर, लेग हीमोग्लोबिन तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किसके लिए होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये ऑक्सीजन स्केवेंजर की तरह काम करती है। 28, एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन इज ट्रांसफर टू डार्क रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ, करें एनर्जी जो होती है बेटा लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में ट्रांसफर होती किस फॉर्म में? लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होती एटीपी के फॉर्म में, और एक चीज और जोड़ सकते हो एनएडीपीएच, एटीपी और एनएडीपीएच के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता, एटीपी दिया गया तो आंसर आप कर लोगे। आरक्यू ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्टेट C39H72O6, पहले आपको पहचाना पड़ेगा कि ये जो आपको दिया गया ये बेटा एक फैट आपको दी गई है ना, और अगर फैट की हम बात करते हैं तो फैट में, फैट की अगर हम बात करते हैं तो फैट में जो आरक्यू की वैल्यू होती 0.7 होती, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हर्बिसाइड आर केमिकल विच कंट्रोल, अभी मैंने बताया था कि जो हर्बिसाइड होते हैं बेटा वो हर्ब को मारने का काम करते हैं, यानी वीड खरपतवार को मारने का काम करते हैं ना, इंसेक्ट को मारने वाला इंसेक्टिसाइड कहलाएगा,
फंजाई को मारने वाला फंजीसाइड कहलाएगा, है ना। और अगर हम निमेटोड की बात करते हैं बेटा, तो निमेटोड की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए कॉमन टर्म हम यूज कर सकते हैं, दैट इज पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड में सारे पेस्ट आ जाएंगे, वीड में वीडिसाइड या हर्बिसाइड आ जाएगा, क्लियर। एन इंटरनल फैक्टर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में इंटरनल फैक्टर आपको पूछा है, तो CO2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जो स्टोमेटा होता है बेटा ये इंटरनल फैक्टर हो जाएगा जो ट्रांसपिरेशन के रेट को प्रभावित करता है। विच इज नॉट ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम, कौन सा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम नहीं है ये आपसे पूछा गया, कौन सा नहीं है। तो बेटा राइजोबियम, देखिए राइजोबियम की बात करें तो ये फ्री लिविंग नहीं है, ये तो सिम्बायोटिक होता ना, तो राइजोबियम इज द सिम्बायोटिक, दिस इज नॉट फ्री लिविंग, ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर की तरह काम करता, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर की तरह। इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फॉर पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द वन दैट इज एब्जॉर्ब बाई, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी फॉर पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी फॉर पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपने जेड स्कीम पढ़ा ना, अपहिल डाउनहिल फिल अपहिल जेड स्कीम में, तो ये एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है बेटा, एनर्जी सबसे पहले क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है जो कि रिएक्शन सेंटर बनाता है, P680 याद है ना, P700, तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के रिएक्शन सेंटर होते हैं ये सबसे पहले एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी का यूज करके हाई ग्रेडियंट की तरफ मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 34, लाइफ विदाउट एयर वुड बी, ये बढ़िया सवाल है, करिए जरा, अगर एयर ना हो तो लाइफ कैसी हो जाएगी, लाइफ विदाउट एयर, चलिए जल्दी से बताइए, लाइफ विदाउट एयर, अच्छा कई लोग कह रहे हैं इम्पॉसिबल हो जाएगी, अरे बिना एयर की, अगर हम एयर मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो बिना ऑक्सीजन के लाइफ एनरोबिक हो जाएगी बेटा, इम्पॉसिबल थोड़ी हो जाएगी भाई, ह्यूमन नहीं सर्वाइव करेगा लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म जो एनरोबिक कंडीशन में रहते हो तो जिंदा रह लेंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, फाइटोट्रॉन, ये पहले भी मैंने कराया आपको जब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे थे तब मैंने कराया था, फाइटोट्रॉन इज ए डिवाइस बाय विच, फाइटोट्रॉन, फाइटोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है बेटा जिसके द्वारा हम प्लांट को ग्रो कराते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, प्लांट को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो कराते हैं। विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एसेंट ऑफ सैप इन टॉल ट्रीज, ऊंचे पेड़ों में पानी को चढ़ाने में किसका रोल नहीं है ये आपसे पूछा गया है, ऊंचे पेड़ों में पानी चढ़ाने में किसका रोल नहीं है ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 जल्दी से करिए, क्वेश्चन नंबर 36, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम सही है, ट्रांसपिरेशन पुल तो सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करता है, कोहेसन एंड एडहेशन ये भी रोल प्ले करता है, प्रेशर ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट इसका कोई रोल नहीं होता, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अमीनो एसिड आर मोस्टली सिंथेसाइज फ्रॉम, ज्यादातर अमीनो एसिड की सिंथेसिस किससे होती है, ज्यादातर अमीनो एसिड की सिंथेसिस किससे होती है बेटा, ज्यादातर अमीनो एसिड सिंथेसाइज होती है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, मोस्टली का मतलब 17 ऐसी अमीनो एसिड हैं जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से सिंथेसाइज होती हैं, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से इनकी सिंथेसिस होती है, एक प्रोसेस होता है जो मैंने कई बार पढ़ाया है, ट्रांस एमिनेशन के द्वारा, ट्रांस एमिनेशन के द्वारा 17 अमीनो एसिड का प्रोडक्शन होता है, क्लियर है बेटा, 17 अमीनो एसिड। परसेंटेज ऑफ रेडियंट एनर्जी एंटरिंग रिएक्शन साइट इन फोटोसिंथेसिस विच इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एच,
रिएक्शन साइट क्या होती है बेटा? रिएक्शन साइट होती है P680 है ना, और P700, ये होते हैं रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 38, तो ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, दैट इज 35%। 35% जो एनर्जी होती है रिएक्शन सेंटर पर, वो कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में। NAD ऑफ क्रेब साइकिल फंक्शन एज, NAD क्रेब साइकिल में बेटा आप जानते हैं NAD किस रूप में काम करता है, NAD किस रूप में काम करता है, क्रेब साइकिल में NAD किस रूप में काम करता है? देखिए NAD चेंज होता है क्रेब साइकिल में NADH में, है ना, NAD NADH में चेंज होता है। तो NADH में चेंज होने के लिए इसको क्या चाहिए? इसको प्रोटॉन चाहिए, हाइड्रोजन आयन और साथ में इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मिलके H बना लेंगे, है ना। तो देखिए एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जब ये हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तभी NADH का फॉर्मेशन होगा। लीफ ऑफ मिमोसा, मिमोसा छुई मुई जिसे कहते हैं, छुई मुई है ना, इंग्लिश में कहते हैं टच मी नॉट। और एक नाम और है छुई मुई को, एक नाम और जाना जाता है, दिस इज लाजवंती, है ना, इसे लाजवंती कहते हैं। लाज बहुत इसको शर्म आती है ना, जैसे तुम लोगों को आती है ना, शर्मवंती कह सकते हो आप इसे, लाजवंती। डाउन ऑन टचिंग बिकॉज ऑफ, कह रहे इसकी पत्तियों को जैसे आप छूते हैं वो तुरंत ही ड्रूप कर जाती हैं, तो बताइए किसकी वजह से? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करिए, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू इंटर सेलुलर स्पेसेस इन पल्विनस, पल्विनस तो जानते हैं, और पल्विनस में छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिन्हें पल्विन्यूल्स कहा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाए। ऑल नहीं लगाना बेटा, तुम लोग जिसमें नहीं जानते उसमें ऑल लगा देते हो, है ना। तुम लोग का नाम तो बेशरम है ना, तुम लोग का नाम लाजवंती क्यों हो गया? बेशरम, बेहया, बेगैरत। कॉमन बिटवीन गार्ड सेल एंड मीजोफिल सेल, करें गार्ड सेल और मीजोफिल सेल में कौन सी चीज कॉमन होती है? दोनों डंबल शेप होते हैं बेटा, गार्ड सेल डंबल शेप होती है लेकिन मीजोफिल राउंड एंड ओवल होती है, तो ये तो कॉमन फीचर नहीं हुआ है ना। डिफरेंशियली थिक वॉल बेटा, देखिए गार्ड सेल में तो एक तरफ की सेल वॉल मोटी और एक तरफ की पतली होती है, लेकिन मीजोफिल में ऐसा नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट पाया था। यूनिफॉर्मली थिन सेल वॉल, नहीं बेटा गार्ड सेल में यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं होती बेटा, कहीं ये मोटी होती, इनर इनर वॉल की तरफ मोटी होती और आउटर वॉल पतली होती, क्लियर। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये कॉमन फीचर है दोनों में। लेग हीमोग्लोबिन, फिर से क्वेश्चन आ गया लेग हीमोग्लोबिन के बारे में, बताइए जल्दी से लेग हीमोग्लोबिन क्या है बेटा? देखिए पहला ऑप्शन क्या दिखा है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट सप्लाइंग ऑक्सीजन टू द लेग्स, क्या ऑप्शन दिया है, और ज्यादातर लोग भी जाएंगे यहां पर है ना। तो लेग हीमोग्लोबिन बेटा दैट इज 42, ये देखो सब लोग सी करें, नाइट्रोजन फिक्सिंग पिगमेंट होता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सिंग तो नाइट्रोजिनेज होता है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं बेटा, ये नन होगा आंसर यहां पर, ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है। लेग हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर, खूब आंसर करो, खूब आंसर करो, नन होगा बेटा, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है बेटा हीमोग्लोबिन, ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन के दौरान नोड्यूल के अंदर से ऑक्सीजन को बाहर करता है, इसका रोल है ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह। फर्स्ट ट्रांजिटरी केमिकल फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन CO2 एंड RuBP, डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल में जब CO2 RuBP से रिएक्शन करता, तो हम कहते हैं कि भाई फॉर्मेशन होता है PgA का, लेकिन PgA तो स्टेबल कंपाउंड है, इसके पहले ट्रांजिटरी कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, उसका नाम आपको बताना है, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ये भी एग्जाम में पूछा गया, 2-carboxy-3-keto-1,5-bisphosphoributol, ये ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटरी केमिकल डार्क रिएक्शन में, पहला ट्रांजिटरी केमिकल।
हाइड्रोजन रिलीज फ्रॉम सबस्ट्रेट बाई डिहाइड्रोजनेज रिक्वायर वन ऑफ द फॉलोइंग बिफोर रिड्यूसिंग को एंजाइम एनएटी। अगर एनएडी को रिड्यूस करना है, ठीक ध्यान दो, अगर एनएडी को रिड्यूस करना है तो एनएडीएच में चेंज करोगे इसको। अब एनएडीएच में चेंज करेंगे तो करें कि हाइड्रोजन के साथ और क्या चाहिए बेटा, तो हाइड्रोजन आयन चाहिए यहां पर, हाइड्रोजन आयन चाहिए यहां पर, और हाइड्रोजन के साथ अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। अगर एनएडी को रिड्यूस करना है एनएडीएच में तो हाइड्रोजन आयन के साथ में इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी पड़ेगी, क्लियर, इलेक्ट्रॉन भी चाहिए इसके साथ में। बुल्ली फॉर्म सेल इन ग्रास लीफ, सो बुल्ली फॉर्म सेल, मोटर सेल भी कहते हैं इन्हें, मोटर सेल या बुली फॉर्म सेल भी कहा जाता है ना। और इनमें जब पानी अंदर आता है ना, पानी के अंदर आने से लीफ सरफेस ओपन हो जाती है और पानी बाहर जाने से लीफ अपने ऊपर कर्लिंग कर लेती है। तो बुली फॉर्म सेल में आपसे क्या पूछा गया है, मूवमेंट के बारे में। तो वाटर आने और जाने की वजह से सेल टर्जिड और फ्लैसिड होती है, तो टर्गर मूवमेंट, यहाँ पर क्या याद करोगे, टर्गर मूवमेंट। वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन इज, ये बढ़िया सवाल है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांसपिरेशन में जो वाटर का लॉस होता है बेटा, वो वाटर कैसा होता है ये आपसे पूछा गया है। वाटर लॉस इन ट्रांसपिरेशन, किस तरह का पानी होता है बेटा ये, प्योर वाटर रिच इन ऑर्गेनिक सल्यूट रिच इन डिजोल्व सॉल्ट या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। हाँ, 46 में कई लोग डी लगा रहे हैं, वाह, जिनको कुछ नहीं पता वो तो कहते हैं ऑल लगा दो। बेटा ट्रांसपिरेशन में जो वाटर का लॉस होता है वो प्योर वाटर होता है बेटा, प्योर वाटर का लॉस होता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। द पिगमेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन नोडुलेटेड रूट इनहेबिटेड बाई राइजोबियम इज, कह रहे पिगमेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन नोडुलेटेड रूट जिनमें राइजोबियम रहता है उसमें एक पिगमेंट प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा पिगमेंट है? अभी कई बार हमने बात की है, दैट इज लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है नोड्यूल के अंदर, जो ऑक्सीजन स्कवेंजर की तरह काम करता है। फोटो ऑटोट्रॉफ लाइकिंग क्लोरोफिल ए आर, देखिए बेटा जो भी फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब फोटो सिंथेटिक, फोटो सिंथेटिक जिनमें क्लोरोफिल ए होगा ऑक्सीजन को इवॉल्व करेंगे, जिन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए नहीं होगा उनमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, मतलब वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो बैक्टीरिया होते हैं ऐसे, बैक्टीरिया ऐसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्लोरोफिल ए नहीं है। बाकी साइनोबैक्टीरिया में, रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में, ब्रायो टेरिडो जिम्नो एनजियो सब में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए नहीं, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा कि केवल क्लोरोफिल ए जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वही फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व करते हैं, इसे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, किसके ऑक्सीडेशन से मैक्सिमम एनर्जी लिबरेट होगी, क्वेश्चन नंबर 49। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, देखिए विटामिन से तो कोई एनर्जी मिलने वाली नहीं है, स्टार्च प्रोटीन फैट तीन ऑप्शन दिए गए बेटा, है ना, ये तीन ऑप्शन आपको दिए गए। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से लिबरेट होगी बेटा, देखिए स्टार्च 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और जो फैट है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये फिजियोलॉजिक पहलू है जो मैंने आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में पढ़ाई है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फैट बेटा, कुछ बच्चे स्टार्च कर रहे हैं वो आर क्यू बता रहे हैं बेटा, मैं आर क्यू नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा एनर्जी या एटीपी कहाँ पर लिबरेट होंगी, यहाँ पर आर क्यू की बात नहीं हो रही, आप कार्बोहाइड्रेट आंसर कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही मैक्सिमम एनर्जी का लिबरेशन कहाँ पर हो, कुछ समझ पा रहे हो तुम लोग, हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट क्यों लगाते हो। अभी आर क्यू का एक क्वेश्चन मैंने कराया, अब सब इसमें आर क्यू का कॉन्सेप्ट लगाने लगे जो कि गलत है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ध्यान दीजिएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्मेशन इज इंड्यूस्ड बाय, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, तो इंटरफेसिकुलर
कैम्बियम के फॉर्मेशन को कौन प्रमोट करता है? क्वेश्चन नंबर 50। अब देखिए, ग्रोथ करानी है तो ग्रोथ कैसे होगी? जब सेल डिवीजन होगा। ध्यान दीजिए, लिंक करिएगा। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, ग्रोथ का सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन के कौन स्टिमुलेट करता है? साइटोकाइन हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हर चीज रटनी नहीं पड़ेगी, और बेटा हर चीज आप रट नहीं पाओगे। अब ये तो याद ही करना पड़ेगा, टर्म एपोप्लास्ट एंड सिंप्लास्ट वर फर्स्ट यूज बाई। एपोप्लास्ट और सिंप्लास्ट टर्म पहली बार किसके द्वारा दिए गए थे? ये दोनों टर्म किसने दिए थे? क्वेश्चन नंबर 51। फिशर ने, क्लार्क ने, मंच ने, या फिर डिक्सन, किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 51, मंच के द्वारा ये दोनों टर्म दिए गए थे, एपोप्लास्ट और सिंप्लास्ट। मास फ्लो हाइपोथेसिस भी मंच के द्वारा ही दी गई थी। विच वन डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन? नाइट्रोजन को कौन फिक्स नहीं कर सकता है? एजोटोबैक्टर कर सकता है, एनाबिना कर सकता है, नॉस्टॉक कर सकता है, स्पाइरोगायरा नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर सकता। बी ऑप्शन सही होगा। नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस फ्रॉम वन पाइरुविक एसिड ड्यूरिंग कन्वर्जन टू एसिटाइल कोएंजाइम एज? नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस फ्रॉम वन पाइरुविक एसिड ड्यूरिंग कन्वर्जन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ध्यान दीजिए, पाइरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है बेटा, और एक का है एक पाइरुविक एसिड, तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? एनएडीएच बनता है। ध्यान दीजिएगा, एनएडीएच बनता है। अब एक एनएडीएच जब ईटीएस में जाएगा तो तीन एटीपी का फॉर्मेशन होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 एटीपी हो जाएगा। 8 कहां से ला रहे हो बेटा? ये 8 और 11 कहां से ला रहे हैं? 15 भी ले आ रहे हैं कुछ लोग। पाइरुविक एसिड से स्टाइल कोएंजाइम है, दैट इज लिंक रिएक्शन बेटा, ये लिंक रिएक्शन है। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, कुछ भी आंसर कर दो, है ना, कुछ भी आंसर कर दो। तुक्का लगाने में क्या जाता है? एग्जाम में मत लगाना तुक्का, सारे तुक्के यही लगा लो, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियो, जियो का मतलब ग्रेविटी की तरफ, है ना, तो ग्रेविटी की तरफ कौन ग्रो करता है? ग्रेविटी की डायरेक्शन में कौन ग्रो करता है? देखिए, अपवर्ड ग्रोथ ऑफ स्टेम, तो ये तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक हुआ ना बेटा। डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट, हाँ ये हो जाएगा। डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट जो है बेटा, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 54। लेकिन अगर निमेटोफोर की बात करें तो वैसी रूट होती हैं जो अपवर्ड ग्रो करती है, तो उनमें भी निगेटिव जियोट्रॉपिज्म पाई जाती है, जिसे एपोजियोट्रॉपिज्म कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर, करें, स्टार्च ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इससे क्या होगा? ठीक है, ऐसे याद करिएगा, जब स्टार्च, ऐसे समझिएगा, स्टार्च ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, स्टार्च से क्या बन रहा है? ऑर्गेनिक एसिड, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, है ना। स्टार्च जब ऑर्गेनिक एसिड में बदलेगा तो ऑर्गेनिक एसिड में जैसे ही चेंज होगा, ओफ और ऑर्गेनिक एसिड, ओफ और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और जब ऑर्गेनिक एसिड स्टार्च में चेंज होगा तो स्टोमेटा उल्टा कर लो, क्लोज हो जाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ये इंटर कन्वर्जन, स्टार्च सुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। एक क्रॉप प्लांट विच कैन ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल विदाउट एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ इट इज, करें, कौन से प्लांट ऐसे हैं जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो कर सकते हो और हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यानी खाद डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी? कौन है बेटा? जो फैबेसी का मेंबर होगा, और फैबेसी का मेंबर कौन सा बेटा? यहाँ पर कैजिनस कैजन, कैजिनस कैजन जानते हैं क्या है? कैजिनस कैजन फैबेसी का मेंबर है, और ये अरहर है बेटा, अरहर का साइंटिफिक नेम है कैजिनस कैजन। तो फैबेसी का कोई भी प्लांट अगर है, उससे हम नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में अगर ग्रो कराते हैं, तो हमें अलग से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्रोटॉन एक्सेप्टर? प्रोटॉन एक्सेप्टर, सबसे कॉमन प्रोटॉन एक्सेप्टर के बारे में आपसे पूछा गया है। तो बेटा देखिए, अभी मैंने कई बार बताया है कि जो एनएडी है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनएडीएच में चेंज होता है, और ये रेस्पिरेशन में होता है, ऐसा रेस्पिरेशन में होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एनएडीपी जो होता है बेटा, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनएडीपीएच में चेंज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एक्सेप्टर कौन है? एनएडी और एनएडीपी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है बेटा आज के, एकदम सुपर हिट।
क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नए लग रहे होंगे या नहीं पता होंगे। आयरन पोरफायरिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अकरिन, आयरन पोरफायरिन प्रोटीन, अब ये तो आप जानते हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर बोथ भी दे रखा है ना, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ये। क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन तो होता नहीं है ना। तो आयरन मैंने आपको बताया था, कोई भी अगर साइटोक्रोम है तो उसमें आयरन जरूर पाया जाएगा। साइटोक्रोम कोई भी हो, साइटोक्रोम ए हो, A3 हो, है ना, साइटोक्रोम बी हो, C1 हो, C, कोई भी साइटोक्रोम अगर है तो उसके अंदर आयरन पोरफायरिन प्रोटीन जरूर पाई जाएगी। डी मत करिए बेटा, क्योंकि डी में ए और बी दिया, अगर क्लोरोफिल के अंदर आयरन नहीं, हाँ क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। इन्वायरमेंटल रिदम ऑफ लाइट एंड डार्कनेस प्रोड्यूस, इन्वायरमेंटल रिदम ऑफ लाइट एंड डार्कनेस प्रोड्यूस, करें रिदम जो होती है लाइट और डार्क, इससे क्या प्रोड्यूस होता है, वनरलाइजेशन, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोटैक्सिस या फोटो पीरियोडिज्म, लाइट और डार्क ड्यूरेशन की वजह से फ्लावरिंग होती है ना, तो ये रिदम क्या कहलाती, फोटो पीरियोडिज्म कहलाती है। और जो लो टेम्परेचर के द्वारा फ्लावरिंग इंडक्शन होता है इसे वनरलाइजेशन नाम से जाना जाता है, ठीक, लो टेम्परेचर वाला वनरलाइजेशन है बेटा। ट्रांसपिरेशन डिफर फ्रॉम इवेपोरेशन, इन ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन से कैसे अलग है, देखिए कपड़े जो हम सुखाने के लिए डालते हैं धूप में तो कपड़ों से जो पानी निकलता है उसे इवेपोरेशन कहते हैं, लेकिन हमारे घर में जो गमला लगा हुआ है उसकी पत्तियों से जब पानी निकलता है तो उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में क्या अंतर है बेटा, देखिए ट्रांसपिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लिविंग में होता है, जबकि इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जो नॉन लिविंग सिस्टम में पाया जाता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, क्लियर बेटा, ये एक बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। एनपीके क्या डिनोट करता है, एनपीके क्या डिनोट करता है, एनपीके, एन बताता है नाइट्रोजन को, पी बताता है फास्फोरस को, और के बताता है पोटेशियम को। तो एनपीके डिनोट करता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को। गांव में कभी जाइएगा तो देखिएगा जो खाद की बोरियां होती है उन पे लिखा रहता है एनपीके, है ना, तो एनपीके यानी उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। विच वन इज इम्पोर्टेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ईटीएस में आपसे पूछा है, तो ईटीएस में क्या स्टाइल को एंजाइम ए होता है, नहीं बेटा, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, फेरिसाइनाइड नहीं, यूबी क्यूनोन, ये एनसीईआरटी अगर खोल के आप देखेंगे या क्रैश कोर्स आप पढ़ेंगे तो यूबी क्यूनोन नाम की एक प्रोटीन मैंने आपको बताई है ना, यूबी क्यूनोन, इसका रोल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, यूबी क्यूनोन। हाउ मच यूजेबल एनर्जी इज अवेलेबल ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव कंबशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, बॉडी में 1 ग्राम मोल ग्लूकोज के कंबशन से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, जल्दी से बताइएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग है यहां पर। क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 63, अच्छा ए में देखिए, डी में लिखा है 686 कैलोरी और यहां पर लिखा है ये इक्वल हो जाएगा 686 किलो कैलोरी। ठीक है, अब एक एटीपी की अगर हम बात करते हैं तो उससे 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एक ग्लूकोज अगर मॉलिक्यूल है तो बेटा इससे 38 एटीपी बनती है, तो एक एटीपी से अगर 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट होती है तो 38 एटीपी से कितनी जनरेट होगी, कैलकुलेट कर लीजिए, 8 3 24, 58, 3 3 9,
21, 4, 7, 7, 2, ये तो हो गया किलो कैलोरी, है ना। ये आ गया किलो कैलोरी 277.4 किलो कैलोरी, 277.4 किलो कैलोरी। तो इसी को यहाँ पर लिखा है 2,77,400 कैलोरी, है ना, क्योंकि किलो को अगर आप कैलोरी में चेंज करते तो 1,000 से मल्टीप्लाई करें। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, यहाँ पर बी ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हाउ मच यूजेबल एनर्जी, ये टर्म खास है, यूजेबल एनर्जी, यूजेबल एनर्जी। क्योंकि अगर आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो बेटा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP बनती है ऑक्सीडेटिव कंबशन के द्वारा, और 38 ATP जो बनती है बेटा, 1 ATP में 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है बेटा। एक बार वापस करने का मतलब है कि आप इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। विच कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, आप तो जानते हैं फ्रूट की राइपनिंग में इथाइलिन गैस का यूज किया जाता है, इथाइलिन हार्मोन है, लेकिन उसके साथ और भी कुछ यूज करते हैं, एक कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, तो इथाइलिन का तो यूज करते ही करते हैं, दो ऑप्शन में इथाइलिन दिया, दो में नहीं, तो इनको काट दीजिए। अब ऑप्शन बचे दो, एक में लिखा है 80% इथाइलिन और एक में 20% इथाइलिन। तो अब आप बताइए क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 64 में सी 80% CO2 और 20% इथाइलिन का यूज करते हैं फ्रूट राइपनिंग के लिए। आप में से ज्यादातर बच्चों के लिए नया होगा यह सवाल। सेल ए विद ऑस्मोटिक प्रेशर 10 एटमोस्फियर, टर्गर प्रेशर 5 एटमोस्फियर, इज इन कॉन्टेक्ट विद सेल बी हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर 15 एटमोस्फियर एंड टर्गर प्रेशर 12 एटमोस्फियर, द फ्लो ऑफ वाटर। कई बार मैंने बताया बेटा, जब भी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर दिया गया हो तो आप डीपीडी निकाल लीजिए। डीपीडी होता है ओपी माइनस टीपी। तो ए सेल के लिए अगर आप डीपीडी निकालोगे तो ओपी कितना दिया है, 10 दिया है, टीपी कितना दिया, 5 दिया है, तो ए सेल का डीपीडी आ जाएगा 5। बी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर 15 दिया है और टर्गर प्रेशर 12 दिया है, तो इसमें आ जाएगा 3। और टीपीडी में मैंने बहुत बार बताया कि लो से हाई की तरफ मूवमेंट होता है, तो लो किसका है, बी का 3 DPD है, तो बी से ए की तरफ मूवमेंट होगा, फ्रॉम बी टू ए। क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको कराया। क्वेश्चन नंबर 66, चलो पढ़ो बताओ। पैसेज ऑफ मिनरल फ्रॉम टॉप सॉयल, ये तो इकोलॉजी में भी पढ़ाया गया है, टू सब सॉयल थ्रू सीपेज ऑफ वाटर। सीपेज यानी पानी धीरे धीरे अंदर की तरफ सोखता चला जाता है मिट्टी में, इज नोन है पैसेज ऑफ मिनरल। जो मिनरल होते हैं टॉप सॉइल से अनअवेलेबल सॉल्ट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, कुछ याद आ रहा है, दैट इज नेम्ड एज लीचिंग। इस घटना को लीचिंग का नाम दिया जाता है। फाइटॉल चेन इज प्रेजेंट इन, फाइटॉल चेन कहाँ पर पाई जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद करना है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में फाइटॉल चेन प्रेजेंट होती है। विच वन इज एबसेंट इन आरबीसीज, आरबीसीज में क्या नहीं पाया जाता है, चलिए बताइए आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, दिमाग लगाइएगा आंसर आ जाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा आंसर आ जाएगा। देखिए आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और अगर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो क्रेब साइकिल भी तो नहीं होती, क्योंकि क्रेब साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। जो एंजाइम कर रहे हैं बेटा, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम तो पाया जाता है, एंजाइम तुम लोग आंसर कर रहे हो बेटा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में एंजाइम भी है, मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी, हाइलोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म। विच वन इज यूज फॉर डिफोलिएशन ऑफ फॉरेस्ट्री, डिफोलिएशन, डिफोलिएशन, देखिए फोलिएशन टर्म लीफ के लिए, डी मतलब पत्तियों को गिराने के लिए, तो फॉरेस्ट ट्रीज की पत्तियों को गिराने के लिए किसका यूज करते हैं, पत्तियों को गिराने के लिए किसका यूज करते हैं, 2,4-D का यूज करते हैं डिफोलिएशन के लिए। 2,4-D क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है ये। डी डी इज इक्वल टू, ये तो अभी मैंने बताया, डीपीडी किसके बराबर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर के बराबर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसी को डीपीडी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के कोर में कौन पाया था, आज ही मैंने बताया था। अब देखिए कंफ्यूजन ज्यादातर इन दोनों में होता है, मैंगनीज और मैग्नीशियम, आयरन तो होता नहीं, पोटेशियम होता नहीं, दोनों में से आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 70
वन का डी ऑप्शन होगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। सोर्स ऑफ CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे इन कैम प्लांट, कैम प्लांट में स्टोमेटा दिन के समय बंद रहते हैं तो CO2 एटमॉस्फेयर से तो नहीं आ सकता है, तो इस CO2 का सोर्स क्या होता है बेटा? देख कैम पाथवे में रात के समय जो CO2 होता है बेटा उससे मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, और फिर जो मैलिक एसिड होता है ये कार्बोक्सिलेशन होता है। मैलिक एसिड में चार कार्बन है, तीन कार्बन वाला कंपाउंड बनता है और एक CO2 रिलीज हो जाता है। तो मैलिक एसिड इज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द कैम प्लांट। इन बैक्टीरिया द साइट फॉर रेस्पिरेशन इज, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन की साइट क्या है बेटा? दैट इज मीजोसोम। मीजोसोम रेस्पिरेशन की साइट होती है बैक्टीरिया में। एजेंट ऑरेंज, ये क्या है? एजेंट ऑरेंज, एजेंट वाली बहुत सारी मूवीज भी आपने देखी होंगी, ये बायो में है एजेंट ऑरेंज। एजेंट ब्लैक आपने देखा होगा, है ना, मैन इन ब्लैक, ये सब याद होगा तुम लोगों को, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीजें पता होंगी। एजेंट ऑरेंज, चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 70 पर तुक्का ही लगा दो। दैट इज वीडी साइट विद डाइऑक्सिन, ये वीडी साइट के रूप में कुछ लोगों ने कहा है कि एजेंट ऑरेंज, उन्होंने कहा कि अच्छा ऑरेंज तो उन्होंने कहा कलर, कलर वाला ऑप्शन ले लेते हैं। नहीं बेटा, दिस इज वीडी साइट विद डाइऑक्सिन। विच वन आर मेनली एब्जॉर्ब बाई कैरोटीनॉइड, कुछ याद आ रहा है क्या? कैरोटीनॉइड शायद पहला क्वेश्चन भी आज मैंने यही कराया था, आज का पहला सवाल भी शायद यही था ना, तो कैरोटीनॉइड के द्वारा वायलेट, है ना, एंड ब्लू, वायलेट और ब्लू लाइट को एब्सॉर्ब किया जाता है। ATP इज इंजेक्टेड इन साइनाइड पॉइजनिंग बिकॉज इट इज, साइनाइड की पॉइजनिंग होने पर ATP दी जाती है पेशेंट को। साइनाइड की पॉइजनिंग में ATP का इंजेक्शन, ATP को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, क्यों? क्योंकि साइनाइड की पॉइजनिंग होने पर बेटा क्या होता है, जो ATP का प्रोडक्शन होता है बंद हो जाता है, इससे सेल की डेथ होने लगती है ना, तो नेसेसरी फॉर सेलुलर फंक्शन, है ना, सेल के काम के लिए ATP जरूरी, इसलिए साइनाइड पॉइजनिंग में ATP को इंजेक्ट किया जाता है। कई सारे क्वेश्चन नए हो सकते हैं आपके लिए। लीफ फॉल अकर्स व्हेन कंटेंट ऑफ, करें लीफ फॉल, पत्तियां पेड़ से गिरने लगती हैं जब किसका कंटेंट कम या ज्यादा होता है, ये ऑप्शन आपको दिए गए। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, एब्सेसिक एसिड अगर डिक्रीज करेगा तो लीफ फॉल नहीं होगा बेटा, क्योंकि एब्सेसिक एसिड जब इंक्रीज करेगा तो लीफ फॉल कराएगा। जिब्रेलिक एसिड डिक्रीज करने से भी लीफ फॉल नहीं होगा। ऑक्सीजन के इंक्रीज होने से, ऑक्सीजन अगर इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा तो लीफ फॉल को रोकेगा, है ना, ये लीफ फॉल को, ऑक्सीजन अगर इंक्रीज करेगा तो लीफ फॉल को रोकेगा, ऑक्सीजन अगर डिक्रीज करेगा तो लीफ फॉल होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन होगा। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, अर्ली स्टेज में लीफ फॉल को रोकता है, लेकिन अगर किसी प्लांट में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो पत्तियां गिरने लगेंगी, यानी अगर किसी प्लांट की पत्तियां समय से पहले गिर रही हैं तो इसका मतलब उस प्लांट में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, इज नॉट सक्सेसफुल इन मोनोकॉट। मोनोकॉट में गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 72 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट डाइकॉट में इसलिए कराते हैं क्योंकि वहां पर वेस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं, मोनोकॉट में स्कैटर्ड होते हैं ना, तो वेस्कुलर बंडल आर नॉट अरेंज्ड इन ए रिंग, नॉट अरेंज्ड इन ए रिंग, इसीलिए यहां पर गर्डलिंग नहीं कर सकते हैं। ऑल द नाइट्रोजिनेज एंजाइम हैज बीन इनएक्टिवेटेड बाय रेडिएशन, देयर विल बी नो, अगर सारे नाइट्रोजिनेज एंजाइम को रेडिएशन के द्वारा खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 79, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लिगियोम में, तो देयर विल बी नो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय लिगियोम, तो लिगियोम में नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, बस डी
हो जाएगा, सारे ऑप्शन पढ़ा करो बेटा, तुम लोग एबीसी तक ही रह जाते हो। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन लाइट, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होती है, ध्यान देना वरना एक गलत होगा। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होती है, रेड ग्रीन वेरी हाइट या कंटिन्यूअस लाइट। क्वेश्चन नंबर 80 करो, देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 ये देखो, रेड 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 सब रेड कर रहे हैं बेटा। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूअस लाइट में होती, कंटिन्यूअस लाइट। और ये जो कंटिन्यूअस लाइट लिखा, लाइट में तो विबग्योर आ गया ना, तो विबग्योर में तो सारे वेवलेंथ आ गई। अब केवल आर दोगे तो उसमें रेट कम होगा ना, अगर विबग्योर मिलेगा तो उसमें रेट ज्यादा होगा। अगर ये कंटिन्यूअस लाइट ना दिया जाता ऑप्शन में, तब आपका ऑप्शन रेट सही होता, क्लियर। तो जब आपको कंटिन्यूअस लाइट दिया जाए या विजिबल रेडिएशन दिया जाए, तो उसी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा, क्या समझ पा रहे हो मेरी बात। विच कंपोनेंट ऑफ ईटीसी इज नॉट ए प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो प्रोटीन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, साइटोक्रोम, बिल्कुल आयरन प्रोटीन है ये ना, ये प्रोटीन है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या एंजाइम, ये भी प्रोटीन है। यूबिक्यूनोन, यूबिक्यूनोन ये है बेटा कीटोन, ये एक कीटोन है यूबिक्यूनोन, तो ये प्रोटीन नहीं, यूबिक्यूनोन एक कीटोन है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, विच इज नॉट कॉज्ड बाई डेफिशंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, कौन सी इसमें से ऐसी कंडीशन या कौन सा ऐसा सिम्टम है जो मिनरल की डिफिशेंसी से नहीं होता। क्लोरोसिस तो मिनरल की डिफिशेंसी से ही होता है, इंटरनोड सॉर्टिंग भी जिब्रेलिन की अगर कमी तो हो जाएगा, या विटामिन की डिफिशेंसी मिनरल की डिफिशेंसी तो हो जाएगा, नेक्रोसिस भी हो जाता है, इटियोलेशन ये मिनरल डिफिशेंसी से नहीं होता बेटा। इटियोलेशन तब होता है जब प्लांट को अंधेरे में रख दिया जाता, तो उसकी पत्तियां पीलिया पड़ जाती हैं, जिसे इटियोलेशन कहते हैं। मास फ्लो हाइपोथेसिस, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता भी दिया था, मास फ्लो हाइपोथेसिस जिन्होंने एपोप्लास्ट और सिंप्लास्टम दिया था, उन्हीं के द्वारा मास फ्लो हाइपोथेसिस भी दी गई थी मंच के द्वारा। एजोला है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद, एजोला वाटर फर्न है बेटा, टेरिडोफाइट का मेंबर है, एजोला इज वाटर फर्न, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके साथ में, एनाबिना के साथ में, साइनोबैक्टेरिया। तो आसान है, ए फॉर एजोला, ए फॉर एनाबिना, कभी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि नोस्टॉक भी दिया गया, नोस्टॉक एनाबिना दोनों ही साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, लेकिन एजोला एनाबिना के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। प्लांट लिविंग इन हॉट ह्यूमिड एनवायरमेंट आर, जो प्लांट हॉट और ह्यूमिड एनवायरमेंट में ग्रो करते हैं वो कौन से हैं। 85, हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ग्रो करने वाले प्लांट C4 होते हैं बेटा। C4 प्लांट हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इज, कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिससे मैक्सिमम नंबर में एटीपी हमें मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 86, चलो बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 86, देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। अच्छा, कोई ग्लाइकोजन कर रहा है, कोई एमाइलोज कर रहा है, कोई ग्लूकोज कर रहा है, कोई कीटोजेनिक अमीनो एसिड कर दे रहा है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, दैट इज ग्लूकोज, क्योंकि कोई भी रेस्पिरेटरी पाथवे बट आप देखिए, अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज रेस्पिरेटरी पाथवे को शुरुआत से ज्वाइन करेगा, ग्लूकोज से सिक्स फॉस्फेट बनेगा, है ना, फिर फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा, है ना, पूरा ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब साइकिल, फिर ईटीए चलेगी। अब अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड में पहले क्या होगा, डीएमिनेशन होगा, और डीएमिनेशन होने के बाद, डीएमिनेशन होने के बाद जब इनका डीएमिनेशन हो जाएगा, तो डीएमिनेटेड अमीनो एसिड, डीएमिनेटेड अमीनो एसिड है ये, या तो सीधे क्रेब साइकिल में एंटर करते हैं, सीधे क्रेब साइकिल में। अब सीधे क्रेब साइकिल में एंटर करेगी तो
जो 8 ATP ग्लाइकोलिसिस में बननी थी वो नहीं बनेंगी, तो यानी एटीपी यील्ड कम हो जाएगा, एटीपी की यील्ड कम हो जाएगी। अच्छा, एमाइलोज और ग्लाइकोजन को अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करो तो पहले ग्लूकोज में ही चेंज होंगी, उसके बाद रेस्पिरेटरी पाथवे को ज्वाइन करेंगी। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है? ये बेटा वो कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी ने आपको बताया, एम्फीबोलिक पाथवे वाला, एम्फीबोलिक पाथवे जिसका फिगर भी एनसीईआरटी ने आपको दिया है, तो वहीं से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। जिब्रेलिन्स इंड्यूस्ड, जिब्रेलिन इंड्यूस करता है किसे? आरएनएनआर कह रहे हैं कि कहां से लाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे नाम कहां से लाते हो, पहले तुम लोग ये बताओ, ऐसे ऐसे नाम कहीं से लाते हो ना? क्वेश्चन तो मैं बेटा एग्जाम से ला रहा हूं, लेकिन तुम लोग नाम कहां से लाते हो ऐसे कि खुद ही अपना नाम भूल जाओ। क्वेश्चन नंबर 87, जिब्रेलिन इंड्यूस, जिब्रेलिन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम इन जर्मिनेटिंग सीड, अल्फा एमाइलेज कुछ कभी आपने अगर सुना हो, है ना, नीट में पूछा भी गया, अगर आपने प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन भी लगाए होंगे ना तब भी आपको मिल जाएगा। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई इन, ट्रांसपिरेशन का रेट घर से लेके आते हो, नाम खुद ही रख लेते हो, एक नाम तो मम्मी पापा ने रखा है, एक नाम तो खुद ही रख लिए, और फिर इसके बाद ये सोना बाबू है ना, ये सब नाम, चांदी डायमंड, सोना चांदी मेरा छोना बाबू। चलो, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई, मोबाइल ने बर्बाद कर दिया सबको। ट्रांसपिरेशन का रेट कहां पर हाई होता है बेटा? हाँ, तुम लोगों को तो बहुत अंदाजा होगा, आइडिया तो बहुत है तुम लोगों को, पढ़ाई लिखाई छोड़ के ना, वो छोना बाबू करना हो, मैं छोना बाबू कहाँ है, छोने बाबू ने खाना खाया? घर में माँ बाप से कभी पहले ना पूछें, लेकिन छोना बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, चाय पी कि नहीं पी, है ना, इसका बड़ा ध्यान रहता है। और छोना बाबू चाहे 4 सिमलक से लगा रखा हो, है ना। चलो, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, बेटा ट्रांसपिरेशन C3 प्लांट में होता है, C4 प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता ही नहीं है, है ना, मैच द कॉलम। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 89 पे पहुंच चुके हैं बेटा। एरोबिक एजिटोबैक्टर और बीजोरिंकिया कैसे होते हैं बेटा? एरोबिक होते हैं ना, ठीक है। फिर साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कौन सा बेटा? साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक है ना बेना, ऑलोसिरा भी एक साइनोबैक्टीरिया ही, केजुराइना, केजुराइना, केजुराइना नॉन लेगुमिनस प्लांट है बेटा, फ्रेंकिया इसमें एसोसिएशन बनाता है। और ट्रॉपिकल ग्रास की बात करते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासेस, हाँ ट्रॉपिकल ग्रासेस में एजो स्पाइरिलम, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? A5 B4 C1 D2, ठीक है, बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, हाँ बी हो जाएगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन आर रिक्वायर्ड टू रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन फोटो रेस्पिरेशन? ये क्वेश्चन एनटीए के मॉक टेस्ट से भी मैंने आपको आया, एनटीए के मॉक टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि ग्लाइसिन के कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है एक CO2 मॉलिक्यूल को फोटो रेस्पिरेशन में रिलीज करने के लिए, तो दो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। एनटीए वाला अगर नहीं याद है तो यहां से याद कर लेगा, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज गिव राइज टू, कंप्लीट ऑक्सीडेशन बेटा वहां पर क्वेश्चन क्या था? यूजेबल एनर्जी पूछा था, यूजेबल एनर्जी, यहां पर आपसे पूछा कि 1 ग्राम मोल ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी निकलेगी, तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती, किलो कैलोरी, किलो को चेंज करोगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाना चाहिए, है डी ऑप्शन आ जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि
यूजेबल एनर्जी वाला क्वेश्चन अलग है, ये अलग क्वेश्चन, दोनों को ध्यान से देखिएगा। और अभी जो वर्क मैं अब इसकी पीडीएफ दूंगा तो इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। इफ ए ट्री फ्लावर थ्राइस इन ए ईयर, इन अक्टूबर जनवरी एंड जुलाई इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में एक प्लांट 3 बार फ्लावरिंग करता है, जनवरी में, जुलाई में और अक्टूबर में, तो प्लांट कैसा है बेटा? प्लांट कैसा है? अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, मतलब गर्मियों में भी, ठंडियों में भी, बरसात में भी, तीनों मौसम में फ्लावरिंग करता है, तो इसका मतलब है ये प्लांट कैसा होना चाहिए, अंदाजा लगाओ। फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव, मतलब वो फोटो इनसेंसिटिव भी है और थर्मो इनसेंसिटिव भी है, उसमें फोटो लाइट का और टेम्परेचर का दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 93, ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस में यूज करते हो आप इसका, तो करें कि ये किसके डिफ्यूजन को अलाउ करती है, सॉल्वेंट के, सॉल्यूट के, दोनों के, या किसी के नहीं, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 93 केमिस्ट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, केमिस्ट्री में खूब पूछा था ये क्वेश्चन। जल्दी बताओ, केवल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, केवल सॉल्वेंट का। रिएक्शन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड विद अमोनिया टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड इज, ये रिएक्शन मैंने बहुत बार आपको बताई, बहुत बार, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड अमोनिया से रिएक्शन करता है और फॉर्मेशन करता है ग्लूटामिक एसिड का, है ना, ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट एसिड, तो इस रिएक्शन का नाम आपको बताना है। दैट रिएक्शन इज नेम्ड एज रिडक्टिव एमिनेशन, इसे रिडक्टिव एमिनेशन कहते हैं। और फिर जो ग्लूटामिक एसिड बनाना, इस ग्लूटामिक एसिड के ट्रांस एमिनेशन से 17 अलग अमीनो एसिड बन जाते हैं। एज कंपेयर प्लांट, मतलब धूप में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनके कंपैरिजन में, प्लांट एडॉप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी पजेस, जो प्लांट छायादार जगहों पर या जहां कम लाइट है वहां ग्रो करते हैं, ये पॉइंट मैंने करा है, उनमें लार्जर फोटोसिंथेटिक यूनिट पाई जाती हैं, उनकी पत्तियों का साइज बड़ा हो जाता है। एक प्लांट अगर धूप में ग्रो करता है तो उसकी पत्तियां छोटी रहेंगी, उसी जाति का दूसरा प्लांट अगर छाया में ग्रो करता है तो पत्तियां बड़ी होंगी, प्लांट का साइज बढ़ जाएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाई 1 मोल ऑफ एटीपी, 1 मोल एटीपी कितनी एनर्जी रिलीज करता है बेटा, आज ही मैंने बताया है, दैट इज 7.3 किलो कैलोरी, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है 1 मोल एटीपी। विच वन प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन एंड पिगमेंट डिस्ट्रक्शन, फोटो ऑक्सीडेशन, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को फोटो ऑक्सीडेशन और पिगमेंट डिस्ट्रक्शन से कौन बचाता है? फाइटोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, फाइटोहार्मोन, फाइटोक्रोम या फाइकोएरिथ्रिन। क्वेश्चन नंबर 97, 97, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, दैट इज फाइटोक्रोम होगा बेटा, फाइटोक्रोम फोटो ऑक्सीडेशन से पिगमेंट को बचाता है। इन गार्ड सेल व्हेन सुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च द स्टोमेटल पोर, अभी मैंने बताया था सुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी, सुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी, सुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 98, करें सुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, तो इस केस में क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और जब स्टार्च सुगर में कन्वर्ट होगा स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे समझो ना, जैसे जॉनी जॉनी वाली पोएम आपने सीखी होगी, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग सुगर नो पापा टेलिंग ए लाई नो पापा ओपन योर माउथ हा हा हा। तो देखिए जब सुगर बनेगी, जब सुगर होगी तो ओपन हो जाएगी, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, है ना, तो जॉनी जब सुगर खाता है तो माउथ ओपन हो जाता है, ऐसे याद कर लो आप इसको, ठीक है, जब सुगर होगी गार्ड सेल के अंदर तो स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाएगी, क्लियर जॉनी जॉनी, क्लियर है बेटा।
इसेंशियल मैक्रोमोलिक्यूलर, इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट, इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 99। तो इसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट को प्लांट कहां से एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। ज्यादातर मैक्रोन्यूट्रिएंट को सॉइल से ही एब्जॉर्ब करता है। नंबर 100, कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय। कार्बोहाइड्रेट जो सबसे अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है हमारी अर्थ के, इनको कौन प्रोड्यूस करता है? क्वेश्चन नंबर 100। फंजाई तो नहीं प्रोड्यूस करता, फंजाई ऑप्शन काट दीजिए, तीन ऑप्शन में तो फंजाई दिया गया। सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, एल्गी और ग्रीन प्लांट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा, कल छोटा सा टॉपिक रह गया था बेटा, उसके क्वेश्चन भी मैं करा देता हूँ, है ना। कल थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, कल 65 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, है ना। बेटा ये मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। जो प्रीमियम बेटा तीनों सब्जेक्ट का है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों का जो प्रीमियम है बेटा वो यूट्यूब पे है 1199 पर मंथ, क्योंकि यूट्यूब पे इसी तरीके से पर मंथ के हिसाब से पेमेंट होता है। neetbooster.com पे अगर आप लेंगे तो अगले 90 दिनों के लिए 2000 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप neetbooster.com पे इसको परचेस करते हैं। तो यहाँ पर 90 डेज के लिए, जब तक आपका नीट नहीं होगा, नीट 2020 जब तक आपका नहीं होगा तब तक के लिए आपको मिलेगा। यूट्यूब पे हर मंथ आपको पे करना पड़ेगा, तब जाके उन लेक्चर को आप देख पाएंगे। neetbooster.com हमारे कंट्रोल में, यूट्यूब यूट्यूब के कंट्रोल में है ना, ये गूगल कंट्रोल करता है। तो इसमें पेमेंट की भी बहुत ऑप्शन नहीं, पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ही कर सकते हैं यूट्यूब पे। यहाँ पर पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, है ना। आप अगर पेटीएम यूज करना चाहें या बाकी चीजें यूज करना चाहें उसको भी यूज कर सकते हैं। ओपन हो जाओ बेटा जल्दी से। अच्छा रात का टाइम देखूंगा बेटा, मैं एक पोल करवा दूंगा उसके लिए, है ना, एक पोल मैं करवा दूंगा, देखते हैं। कल 35 क्वेश्चन रह गए थे ना, ये मैं सोच रहा हूँ करवा दूं, लेकिन ये फाइल क्यों नहीं ओपन हो रही है। हाँ चलो ओपन हो गई। कहां तक करा दिया था मैंने, शायद 65 क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने ना, ये सब हो गया था। क्वेश्चन नंबर 67 में करा रहा था शायद ना। चलो तो 66 वाला, हाँ, प्रोटोप्लाज्म आइसोलेशन, प्रोटोप्लास्ट। पोमेटो वाला केस आपने पढ़ा है ना, तो पोमेटो वाले केस में जो प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन हम करते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन वाज फर्स्ट कैरीड आउट बाय। प्रोटोप्लास्ट का जो आइसोलेशन होता है वो किसके द्वारा कराया गया था, एक साइंटिस्ट का नाम याद करना, कॉकिंग के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, कैलस कैन फॉर्म प्लांटलेट थ्रू अल्टरिंग कंसेंट्रेशन ऑफ। कैलस से अगर हमें प्लांट बनाना है बेटा, ये कैलस है,
और कैलस से अगर हम प्लांट बनाना है, प्लांट अगर हमें बनाना, तो उसमें हमें रूट भी इंड्यूस करानी पड़ेंगी और सूट भी इंड्यूस कराना पड़ेगा। अब रूटिंग और सूटिंग कौन इंड्यूस कराता? हार्मोन। तो हार्मोन के रेशियो को चेंज करके कैलस से नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई फर्मेंटेशन एंड यूज टू पार्शली रिप्लेस फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल को अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमने फर्मेंटेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया है? कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसे हमें फर्मेंटेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया? दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल, और इस इथेनॉल को फर्मेंटेशन से हम प्रोड्यूस करते हैं और इसे डीजल में मिलाया भी जाता है। करीब 5 से 10% इथेनॉल मिलाया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक स्पेशल सरप्राइज सेशन में मैंने आपको कराई थी और ये आपको मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड की। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस से कौन सी एंटीबायोटिक ऑब्टेन की जाती है? दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन को ऑब्टेन किया जाता है। कॉफी एंड टी आर, कॉफी और टी, चाय और कॉफी जो आप पीते हैं, किस तरह की बेवरेजेस हैं? बेवरेजेस मतलब पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, ये सब बेवरेजेस के एग्जाम्पल हैं बेटा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस का एग्जाम्पल। वाइन बियर एल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं। सम प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट कार्सिनोजन। भाई कार्सिनोजन से कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है? कार्सिनोजन से कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है? कार्सिनोजन मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट। तो टोकोफेरॉल या विटामिन ई जो है बेटा, ये एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जानी जाती है। टेक्निक दैट वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड ऑफ धतूरा वाज, है ना, धतूरा के प्लांट से हमने पहली बार हैप्लॉयड ऑब्टेन किए थे एंथर कल्चर करके, है ना, या फिर आप कहते पॉलन कल्चर के द्वारा। तो ये जो हैप्लॉयड ऑब्टेन किए गए थे किसके द्वारा किए गए थे? देखिए ऑप्शन दिए गए, एंथर कल्चर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंथर कल्चर अगर नहीं होता तो आप कर सकते थे पॉलन कल्चर, है ना, एंथर कल्चर या पॉलन कल्चर। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद आ जाते हैं 73। ब्लू रिवोल्यूशन इज, ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, ये सब मैंने आपको बताया। तो ब्लू रिवोल्यूशन दैट इज इंक्रीज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एक्वाटिक प्रोडक्ट, जैसे फिशेस की बात करें, फिशेस का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा है जिसे हम ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं। फसल की पैदावार बढ़ने को ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ने को व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं। अंडे के प्रोडक्शन को बढ़ने को सिल्वर रिवोल्यूशन कहा जाता है, है ना। चलिए ऑर्गेनिक मैन्यूर, जैव खाद, ये मैन्यूर मतलब होता है खाद, फॉर्म्ड बाई अर्थवर्म इज, करें जो खाद अर्थवर्म मिट्टी खाता और बनाता उसे क्या कहते हैं? दैट इज नेम्ड एज, क्वेश्चन नंबर 74, दैट इज नेम्ड एज वर्म कास्टिंग, इसे वर्म कास्टिंग के नाम से जाना जाता है। बेकर सिस्ट किसे कहते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी को बेकर सिस्ट भी कहते हैं और ब्रेवर सिस्ट भी कहते हैं। बेकर सिस्ट कहते हैं क्योंकि बेकरी में इसका यूज किया था ब्रेड बनाने के लिए। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इन ब्लड, एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन, इसी पे तो एलाइजा बेस करता है, और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सीरोलॉजी। सब ब्रांचेस भी मैंने अलग से आपको स्पेशल सरप्राइज सेशन में पढ़ा दी थी। बियर इज फर्मेंटेड फ्रॉम, बियर का फॉर्मेशन किससे किया जाता है? बियर का फॉर्मेशन किससे किया जाता है? देखिए एक वाइन होती है और एक बियर होती है। बी फॉर बियर, बी फॉर बार्ली, जौ से बनाई जाती है, और ग्रेप से वाइन को बनाया जाता है। वाइन को फ्रूट जूसेस से बनाते हैं और बियर को बार्ली यानी जौ से बनाया था, कभी गलत नहीं होगा, अगर बीबी आप याद कर लेंगे, ठीक है, बीबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, हायर मिल्क यील्डिंग बेस्ट ब्रीड ऑफ मिल्च कैटल इन द वर्ल्ड। मिल्च मतलब जो सबसे ज्यादा मिल्क को प्रोड्यूस करने वाली, उसे मिल्च ब्रीड कहा जाता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाली गाय कौन सी है? दैट इज होल्स्टीन फ्रेसिन, दैट इज द बेस्ट मिल्च ब्रीड ऑफ द वर्ल्ड। ये मिल्च ब्रीड है दुनिया की सबसे बेहतर। लिम्फोइड ल्यूकोसिस डिजीज, एक बीमारी है लिम्फोइड ल्यूकोसिस, पोल्ट्री फॉर्म में होती है, इस बीमारी को कौन कॉज करता है? लिम्फोइड ल्यूकोसिस बीमारी कौन कॉज करता है? बीमारी लिम्फोइड, हिंदी अंग्रेजी यही होता है, लिम्फोइड ल्यूकोसिस कौन कॉज करता है बेटा, जल्दी बताओ। 79 BS, वायरस से होने वाली बीमारी बेटा, वायरस कॉज करता है। पायरेथ्रिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, पायरेथ्रिन को किससे ऑप्टेन किया जाता है? पायरेथ्रिन एक ड्रग है बेटा, एक दवाई है, और इससे किससे ऑप्टेन किया जाता है?
पायरेथ्रिन ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्राइजेंथेमम सिनेरी फोलियम, क्राइजेंथेमम जिसे कहते हैं गुलदाउदी, है ना, क्राइजेंथेमम मिंट कुछ आपने पढ़ा है स्टेम में, है ना, क्राइजेंथेमम से पायरेथ्रिन नाम की एक ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। विच अमंग दीज आर प्रोड्यूस्ड बाई डिस्टिलेशन, कई बार मैंने बताया है कि डिस्टिलेशन से किसे प्रोड्यूस करते हैं, रम विस्की ब्रांडी को डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस किया जाता है, तो ए बी ई ऑप्शन हो जाएगा, वाइन और बियर को बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस। सस्पेंशन ऑफ एटीन्यूएटेड पैथोजन दैट स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन इज, कह रहे हैं कि सस्पेंशन घोल एटीन्यूएटेड पैथोजन का घोल जो बॉडी में जाने के बाद एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करे उसे क्या कहते हैं, इसी घोल को तो वैक्सीन कहा जाता है बेटा, है ना, इसी घोल को वैक्सीन कहते हैं। पोलियो वैक्सीन में यही तो होता है, एटेन्यूएटेड पैथोजन को बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। करेक्टली मैच आपसे पूछा है, करेक्टली मैच 83। रेसरपिन ट्रंकलाइजर भांग एनल्जेसिक दर्द निवारक है, नहीं बेटा। कोकीन ऑपियोइड है, नहीं बेटा। ऑपियोइड उन्हें कहते हैं जो ओपियम से मिलते हैं। मॉर्फिन हेलुसिनोजेनिक है, नहीं, एनल्जेसिक होता है। रेसरपिन ट्रंकलाइजर है, ये टेंशन को रिलीव करता है रेसरपिन। स्लॉटर हाउस उन्हें कहते हैं जिन्हें आप कहते हैं वधशाला, जहां पर जानवरों को काट दिया जाता है ना, स्लॉटर हाउस। तो स्लॉटर हाउस किसे कहते हैं, स्लॉटर हाउस के लिए टेक्निकल वर्ड आपसे पूछा गया है, दैट इज नेम्ड एज अबेटर, अबेटर इज नेम्ड एज स्लॉटर हाउस, अबेटर वधशाला। जर्मिनेटिंग बार्ली सीड आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, अभी अभी मैंने बताया बी फॉर बार्ली, बी फॉर बियर, एक चीज आप समझ लेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको और समझ में आ जाएंगी। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट का यूज किया था कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, ये तो आप सभी जानते हैं, इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल के लिए। शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी, बहुत बढ़िया सवाल है। शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी जो थोड़े समय के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो जब तक बच्चा माँ का दूध पीता उसको इम्यूनिटी मिलती रहती, कोलोस्ट्रम प्रोवाइड शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी, ये शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराता है। ए पर्सन इज इंजेक्टेड विद गामा ग्लोबुलिन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, इस ध्यान दीजिए, पर्सन में ग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी डाली गई, बनी बनाई एंटीबॉडी डाली गई है, बनी बनाई एंटीबॉडी डाली गई है, तो बनी बनाई एंटीबॉडी डाली गई तो इसका मतलब पैसिव होगा, एक्टिव वाले दो ऑप्शन खत्म कर दीजिए। अब इंजेक्ट किया गया बेटा, इंजेक्ट की गई एंटीबॉडी तो इसका मतलब आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं हो सकता है, अगर एंटीबॉडी हमने डाली है तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए डिजीज ऑफ पोल्ट्री, पोल्ट्री मुर्गियों में होने वाली बीमारी आपसे पूछी गई है ना, मुर्गी पालन में जो बीमारी मुर्गियों में होती है उस बीमारी का नाम आपसे पूछा गया, एंथ्रॉक्स, पेबराइन, फुट एंड माउथ या रानी खेत, कौन सी डिजीज है जो मुर्गियों में होती है, दैट इज रानी खेत डिजीज, रानी खेत डिजीज। ब्लू रिवोल्यूशन फिर आ गया, ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे बेटा, ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध है फिश प्रोडक्शन से, मिल्क प्रोडक्शन से व्हाइट रिवोल्यूशन का रिलेशन होता है। ए पेट्रोलियम प्लांट, पेट्रोलियम प्लांट ये मैंने कराया था कल भी बेटा आपको, पेट्रोलियम प्लांट कौन सा है इसमें से, पेट्रोलियम प्लांट दैट इज पेट्रोक्रॉप या पेट्रोलियम प्लांट दैट इज यूफोर्बिया, यूफोर्बियेसी फैमिली ये भी पूछा जा सकता है। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी, ठीक है, हाँ बोथ मत कर देना, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। एंटीबॉडी फॉर्म्ड ऑफ 5 इम्यूनोग्लोबुलिन यूनिट, कुछ ऐसा है पेंटामर, ये देखिए फिगर मैंने बना के दिखाया था, है ना, कुछ इस तरह का, 5 Y में प्रेजेंट होते हैं, 5 यूनिट पाई जाती हैं, और इसका मॉलिकुलर वेट या इसका साइज भी सबसे बड़ा होता है 93 में, है ना, तो IgM मैंने आपको बताया था, IgM पेंटामर होता, 5 यूनिट यहाँ पर पाई जाती हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट टी लिम्फोसाइट इन मैमल, टी लिम्फोसाइट के लिए कौन सा ट्रू है, देयर इज 3 मेन टाइप, साइटोटॉक्सिक हेल्पर एंड सप्रेशर, क्वेश्चन नंबर 94 सही है। दे ओरिजिनेट इन लिम्फॉइड टिश्यू, नहीं, बोन मैरो में बनती। दे स्केवेंज डैमेज सेल एंड सेलुलर डेब्री से, सेल की जो सड़ी गली चीजें होती हैं और जो डैमेज सेल होती है उनको खाती, नहीं बेटा, टी लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो ये हमें पैथोजन से प्रोटेक्ट करती हैं,
दे आर प्रोड्यूस इन थायराइड, ये भी गलत है। तो ये तीन तरह की लिम्फोसाइट होती है, साइटोटॉक्सिक, हेल्पर एंड सप्रेशर। और जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट होती है एचआईवी में इन्हीं का नंबर कम हो जाता है, और जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट होती है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, और इन्हीं की वजह से इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है और ऑर्गन का रिजेक्शन करता है। इफ मोर देन सिंगल स्पीसीज ऑफ फिश इज कल्चर्ड एट ए टाइम देन इट इज कॉल्ड, आसान है, अगर एक से ज्यादा तरह की मछलियों को पाला जाता है दैट इज नेम्ड एज पॉलीकल्चर, इसे पॉलीकल्चर कहते हैं ना, एक होगी तो मोनोकल्चर और एक से ज्यादा होंगी तो पॉलीकल्चर कहेंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल। सेलुलर टोटिपोटेंसी वॉज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई, पहली बार सेलुलर टोटिपोटेंसी का प्रदर्शन किसने किया, डिमॉन्स्ट्रेशन किसने किया, 96। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, स्टीव वर्ड। वैसे ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग यहां पर नहीं है इसलिए आसान है आपके लिए। द अर्लीएस्ट पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने वाला, कीड़ों को मारने वाला है ना, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें पेस्ट कहते हैं। तो पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने वाली दवाई सबसे पहला अर्लीएस्ट पेस्टिसाइड कौन सा था बेटा, दैट इज मार्गोसा, जो नीम से ऑप्टेन होता है, नीम से है ना, नीम से मार्गोसा को बनाया गया था, ये अर्लीएस्ट पेस्टिसाइड था। बैसिलस थुरिंजेंसिस इज यूज्ड टू कंट्रोल, बीटी किसे कंट्रोल करता है बेटा, बीटी किसे कंट्रोल करता है, बीटी एक बैक्टीरिया है ना बेटा, और ये बीटी बैक्टीरिया किसे कंट्रोल करता है, इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करता है। एंटीबॉडीज आर कॉम्प्लेक्स, एंटीबॉडीज क्या है बेटा, लाइकोप्रोटीन, स्टेरॉइड, प्रोस्टाग्लैंडिन या ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीबॉडीज आर कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज बेस्ट एचएलए मैच फॉर ट्रांसप्लांट इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस एज, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें पूछा गया है कि कौन सा ऑर्डर प्रिफर किया जाता है। चलिए जल्दी से बताइएगा, सबसे पहले किसको प्रिफर करते हैं बेटा, सबसे पहले प्रिफर करते हैं ट्विन, अगर है तो ट्विन से ऑर्गन को लेंगे, फिर ट्विन के बाद सिबलिंग भाई बहन से, फिर पेरेंट के पास जाएंगे और फिर अनरिलेटेड डोनर जाएंगे। तो इस तरीके से अगर ट्विन नहीं है तो फिर भाई बहन से लिया जाता है ऑर्गन, भाई बहन देने को नहीं तैयार तो पेरेंट से ले सकते हैं, पेरेंट नहीं तैयार तब अनरिलेटेड डोनर से लिया जाता है, और अनरिलेटेड डोनर में भी सेम स्पीसीज से लेते हैं और फिर डिफरेंट स्पीसीज से लेते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। तो ये आपका टॉपिक बेटा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज हमने 135 क्वेश्चन किए क्योंकि कल के 35 क्वेश्चन बाकी रह गए थे, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आज आपको करा दिए, ठीक है। तो आज रात में 10 बजे, चलिए एक पोल मैं करवा लूंगा बेटा, वैसे आज रात में तो 10 ही बजे क्लास होगी लेकिन उसके आगे फिर हम एक पोल करवा लेते हैं कि आप बच्चे ज्यादातर क्या टाइमिंग चाहते हो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, है ना, एक पोल हम करवा लेंगे तो उसके आधार पे आगे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। प्रीमियम कोर्स 10 तारीख से शुरू कर देंगे, ठीक है, 10 तारीख से स्टार्ट करेंगे, करीब 2 महीने का समय हमारे पास पूरा पूरा रहेगा नीट 2020 के लिए, और 2 महीने में जितनी मैक्सिमम चीजें मैं करवा सकता हूँ वो चीजें आपको करवा दूंगा। YouTube पे जो चल रहा है तो चलता रहेगा, 12 बजे वाला सेशन और 10 बजे वाला सेशन ये तो चलता रहेगा, इसके अलावा जो पॉसिबल बेस्ट हो सकता है वो मैं कर दूंगा प्रीमियम लेक्चर में, ठीक है। तो कल की यूनिट बेटा, अब इसके आगे की यूनिट ले लो, आज हमने प्लांट फिजियो किया है तो कल हम अब एनसीईआरटी 12 में जाएंगे और अगली यूनिट हो जाएगी बायोटेक, ठीक, कल हम बायोटेक के 100 क्वेश्चन करेंगे, बायोटेक काफी इंपॉर्टेंट है, बायोटेक में गलतियां भी बहुत होती है ना। चलो बेटा जल्दी से लाइक करो सभी बच्चे, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और दूसरे को भी अपने फ्रेंड्स को भी बोला करो इस सेशन के लिए और सब्सक्रिप्शन के लिए, है ना। ट्विन मतलब जुड़वा बेटा, फरहान, ट्विन्स का मतलब होता है जुड़वा। वर्तिका बेटा मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन हमने प्लांट फिजियो के किए और 35 अभी किए, 135 हो गया ना। कल बेटा बायोटेक यूनिट हो जाएगी, ठीक है, कल बायोटेक यूनिट हो जाएगी। डेंगू का वेक्टर एडीज मॉस्किटो बेटा, स्मिता है ना,
चलो मेंटी बेटा एक दिन मैं करवा दूंगा, ठीक है? मेंटी के लिए परेशान मत हो नालायकों, मेंटी में एक दिन सैटरडे को करा दूंगा, 100-150 सवाल पेट भर जाएगा तुम लोगों का मेंटी से, ठीक है? अभी देखो नॉर्मल सेशन में कितनी दिक्कतें हो रही, मेंटी होगा तो एक सवाल ओपन नहीं होगा इसमें, 3 दिन से आप देख रहे हो किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। बेटा जो ऑफर है सबके लिए एक जैसा ऑफर है, ठीक है? कोई अलग अलग ऑफर किसी के लिए नहीं है, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रीमियम प्राइस है बेटा 599 केवल, ओनली 599, ठीक है? स्मिता नहीं बेटा, फीमेल एडीज मॉस्किटो, ठीक है? फीमेल एडीज मॉस्किटो। कंगारू ऐसे तो बेटा हम लोग कहते हैं कि कंगारू, हाँ ओ वी पेरस होता है, लेकिन वी भी पेरी में हम उसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है? तो दोनों वेक्टर नहीं होंगे बेटा, मेल वेक्टर नहीं होता, फीमेल वेक्टर होता है, ठीक है? फीमेल वेक्टर होती है। सगुप्ता खातून बेटा पे करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी एक वीडियो में शूट कर लेता हूँ और सारी चीजें प्रीमियम के बारे में आपको बता देता हूँ, तो क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, कैसे कैसे पे करना है, ठीक है? अनुष्का सिन्हा बेटा ये जो 1199 का है बेटा, ये पर मंथ यूट्यूब लेता है ना, यूट्यूब इसमें लेता है। अगर आप needbooster.com पे जाएंगे तो वहां पर 2000 में 90 डेज के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक? सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? ओके बेटा। जेनेटिक्स के क्वेश्चन बेटा मैंने कराए तो हैं आपको, जेनेटिक्स के क्वेश्चन भी कराए हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देखिए है ना, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो रात में हम लोग मिलते हैं बेटा 10 बजे, उसके पहले पोल मैं करवा लूंगा, कल मैं आपको बता दूंगा कि कल से हमारी टाइमिंग क्या रहेंगी, ठीक है? तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर।